राजधानी पटना में चोरों का आतंक जारी है। चोरी का ताजा मामला पटना सिटी अनुमंडल के थाना क्षेत्र का है, जहां चोरों ने एक मोबाइल दुकान का ताला तोड़कर दुकान में रखे 6 लाख रुपए नगद, लैपटॉप, मोबाइल समेत अन्य सामान की चोरी के साथ ही दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को तोड़कर हार्ड डिस्क लेकर फरार हो गए। वहीं चोरी की सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। दनियावा बाजार में चोर लगातार इलेक्ट्रॉनिक दुकानों को अपना निशाना बना रहे हैं। वहीं चोर स्थानीय पुलिस की पकड़ से अब भी बाहर हैं, जिसके कारण स्थानीय बाजार के व्यवसायियों में पुलिस के प्रति आक्रोश है। 10 बजे लगभग हम दुकान बंद करके गए थे, तो सब सामान ऐसे ही था। तो 5:30 बजे हमको घर पे आदमी ऐसे खाने गए कि दुकान का ताला टूटा हुआ, शटर टूटा हुआ है। हमारे दुकान को खोल के देखा, देखते हैं कि कैमरा सीसीटीवी बाहर में था, वो भी तोड़ा हुआ था। और दुकान में जो भी मोबाइल था सब लेके चला गया है, लैपटॉप भी नहीं है और कुछ कैश था जिसमें पे करके करी वो भी नहीं है। सब सामान जैसे जैसे टूटा पड़ा है। ये जितना मोबाइल ले गया उसका अनुमानित कीमत कितना होगा? लगभग होगा तो 6 लाख के करीब सब होगा अमाउंट। चोर जो सामान ले गया उसमें कौन कौन सामान मुख्य रूप से है? एंड्रॉयड सेट ज़्यादा है, कीपैड सेट ज़्यादा, मोबाइल ही है, एक लैपटॉप है और फिर कुछ कैश है। चलिए, आपका नाम क्या है? मनिंदर कुमार।